हमने MIT मुजफ्फरपुर और BCE भागलपुर के बारे में डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर देख ले। आज हम बात करने वाले हैं BCE बख्तियारपुर कॉलेज पे। इसके बारे में हम पूरे डिटेल में जानकारी देंगे, फी स्ट्रक्चर हो गया, कट ऑफ हो गया, कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, यह सारा डिटेल में जानकारी देंगे, प्लेसमेंट कैसा होता है। तो चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल घंटी दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज में। तो कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज है, यह 2016 में बना हुआ है और अप्रूव है AICTE से। बात करते हैं 2016 में AKU यूनिवर्सिटी से अप्रूव था, उसके बाद 2023 में BEU पटना से हो गया, यानी कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आ गया। अब बात करते हैं इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बहुत ही जबरदस्त है, लाइब्रेरी जबरदस्त है, प्रैक्टिकल क्लासरूम बहुत ही जबरदस्त है, अब कल्चरल रूम जबरदस्त है, लेकिन स्पोर्ट्स में इंडोर और आउटडोर दोनों गेम होते हैं और दोनों जबरदस्त ही हैं। अब बात करते हैं हॉस्टल आपको मेल एवं फीमेल दोनों का है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रांच, कौन कौन ब्रांच में पढ़ाई होती है, सिविल इंजीनियर हो गया, उसके बाद में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया और फायर टेक्नोलॉजी भी होता है। अब बात करते हैं एडमिशन इसमें कैसे होता है। एडमिशन का दो प्रोसेस है, या तो BCECE के थ्रू जाइए या UGESE के थ्रू जाइए, लेकिन अभी तो UGESE के ही काउंसलिंग हो रहे हैं। तो हम अभी बात करते हैं प्लेसमेंट का। तो प्लेसमेंट इसमें कैसा आया था, हाईएस्ट पैकेज जाता है 20 लाख पर ईयर और लोएस्ट पैकेज जाता है 2.5 लाख पर ईयर। अब बात करते हैं एवरेज पैकेज, तो एवरेज पैकेज 6 लाख पर ईयर जाता है। इसमें 70% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है, 30% ऐसे स्टूडेंट है जिनका प्लेसमेंट करना आम निशान नहीं रहता है। आप कौन से कैटेगरी में आते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। अब वाईफाई यहाँ पर फ्री है 24 घंटे। उसके बाद बात करते हैं कॉलेज कटअप पर। तो कॉलेज कटअप UGESE का हाईएस्ट बता रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम इतने के अंदर में हो तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ब्रांच आता है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के लिए UR रैंक 700, BC रैंक 400, EWS रैंक 250, EBC रैंक 300, SC रैंक 150, ST रैंक 10, RCG रैंक 100 और DQ रैंक 10। देखिए DQ रैंक बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसका कोई डाटा एक्यूरेट नहीं है, बाकी सब में 100% उतना ही पर कॉलेज मिलेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग UR रैंक 900, BC रैंक 450, EWS रैंक 260, EBC रैंक 350, SC रैंक 200, ST रैंक 20, RCG रैंक 200, DQ रैंक 15। DQ रैंक फिक्स नहीं है लेकिन बाकी रैंक फिक्स है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए कितना रैंक चाहिए, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए UR रैंक 300, BC रैंक 150, EWS रैंक 90, EBC रैंक 150, SC रैंक 100, ST रैंक 10, उसके बाद बनता है RCG रैंक 50 और DQ रैंक का कोई था पता नहीं है, क्योंकि कोई साल लेता है कोई साल नहीं लेता है। आगे बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1600 UR रैंक, BC रैंक 800, EWS रैंक 450, EBC रैंक 650, SC रैंक 450 और ST रैंक 40, RCG रैंक 250 और DQ रैंक 20। इतने रैंक मैक्सिमम हो, यानी UGESE के मैक्सिमम रैंक इतना हो तो आप BCE बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं। 100% गारंटी लेते हैं, कोई ऐसा आपका चैनल नहीं है जो गारंटी ले, लेकिन हम आपका गारंटी लेकर बता रहे हैं और आप खुद से काउंसलिंग, लेकिन काउंसलिंग का एक प्रोसेस होता है, एक ट्रिक होता है, उसको अपनाना होगा। उस ट्रिक को जानने के लिए चॉइस फिलिंग का जब समय आएगा उस समय हम वीडियो बना देंगे, तो वह वीडियो मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल घंटी दबा देना, दोस्तों में शेयर करना। नेक्स्ट कौन सा कॉलेज पे वीडियो बनाए आप सभी कमेंट करना।